हाय गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने रिएक्ट ऐप को नोड सर्वर के थ्रू डिप्लॉय करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डेवलपर्स रिएक्ट का ऐप डेवलप करना तो सीख जाते हैं, बट उनको ये नहीं मालूम होता है कि इसे कैसे सर्वर पर डिप्लॉय करना है, कैसे हम लोगों को डीमन सर्वर्स के बैकग्राउंड में इसे ऑलवेज रन करना है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैंने एक बॉयलर प्लेट क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसे नए से बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो मेरा एक और वीडियो है और एक आर्टिकल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपने रिएक्ट ऐप में जाएंगे। सो गाइज, फर्स्ट ऐप ये मेरा ऐप है। तो सीडी फर्स्ट ऐप में मैं जाता हूँ और कोड ओपन करता हूँ। गाइज, तो ये मेरा कोड है। मुझे क्या करना है, ये सिंपल सा कोड है जो ऑलरेडी पहले से है, इसमें बिल्ड फाइल बनी हुई है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। जस्ट ये देखिए गाइस, जैसे ही आप जब नॉर्मली क्रिएट रिएक्ट ऐप से अपना ऐप क्रिएट करेंगे तो इस टाइप से आपको ऐप दिखेगा। आप चाहें तो इसे रन करके भी देख सकते हैं। सो गाइस, मुझे क्या करना होगा, मुझे करना है इसमें एक और फाइल ऐड करनी है। तो मैं अपना फाइल ऐड करूँगा और उस फाइल को नाम दूँगा server.js। ओके, और उसमें कुछ कोड है जो मैं यहाँ डालने वाला हूँ। ये रहा गाइस, ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे आर्टिकल में ऑलरेडी पहले से ही है। तो ये server.js का कोड है, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है जैसे कि एक्सप्रेस, आपके इसमें एक्सप्रेस होगा तो आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना होगा, यू आप कर लेना। आप देखें तो package.json में भी आपको मिल जाएगा एक्सप्रेस। ओके गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे, server.js में ये फाइल पुट करेंगे। यहाँ पे आप पोर्ट चेंज कर सकते हैं, यदि आपको 3000 पे रन नहीं करना, किसी और पोर्ट पे रन करना है तो आप यहाँ से पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस करके मैं इसे सेव कर लूँगा। अब गाइस, मेरा स्ट्रक्चर ये हो जाता है, सर्वर, रीडमी, package.json और सोर्स के अंदर जो सब फाइल्स होती हैं वो पब्लिक और नोड मॉड्यूल्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने टर्मिनल पर स्विच होता हूँ। अपने टर्मिनल पर स्विच होने के बाद मैं एक बिल्ड फाइल बनाता हूँ। ओके, npm run build। सो गाइज, बिल्ड बनेगा तो बिल्ड बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो गाइज, देखिए मेरा बिल्ड फाइल बन गया है, आप चाहे तो ls करके चेक कर सकते हैं, बिल्ड बन गया है। अब गाइज, हम चाहें तो इसे स्टार्ट कर सकते हैं नोड सर्वर डॉट जे एस से। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाने के बाद जब आप अपना क्रोम ओपन करेंगे, जैसे ही आप अपना क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ टाइप करेंगे लोकल होस्ट 3000, तो गाइज आप देखेंगे कि रिएक्ट का ऐप रन हो रहा है। तो ये सर्वर के थ्रू रन हो रहा है, नोड के सर्वर के थ्रू रन हो रहा है। इसमें आपको एक्सप्रेस का नीड पड़ेगा, तो आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। और अब गाइज, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि कैसे सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं। नॉर्मल कमांड तो ये हो गई, ये डिप्लॉयमेंट है, बिल्ड फाइल के थ्रू डिप्लॉय करना, लेकिन हमको सर्वर बंद होने पर, टर्मिनल बंद करने पर भी हम लोगों का प्रोजेक्ट चलता रहे, तो गाइज उसे बोलते हैं एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस मैनेजर्स होते हैं। सो गाइज, सर्वर पे डिप्लॉय करने के बाद हमारी सर्विस हमेशा ऑन रहे, टर्मिनल बंद करने के बाद या सर्वर बंद करने के बाद भी वो हमेशा ऑलवेज रन रहे, तो उस टाइप की डिप्लॉय करने के लिए कुछ प्रोसेस मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि फॉरएवर हुआ, PM2 हुआ, इस टाइप के कुछ प्रोसेस मैनेजर्स होते हैं। तो गाइज, हम लोग फॉरएवर का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं फॉरएवर और PM2 दोनों का ही लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं कि फॉरएवर, हाँ
आप जैसे ही फॉरेवर देखेंगे तो ये है फॉरेवर, आप इसे इंस्टॉल चाहें तो npm install -g करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऑलरेडी ये मेरे में इंस्टॉल है तो मैं अभी इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कंट्रोल सी करके बाहर आ जाता हूँ। आप चाहें तो ऐसे इसे npm install forever -g करके इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है। ओके आप चाहें तो देख सकते हैं। सॉरी कमांड है forever -- वर्जन, देखिए गाइस वर्जन 3.0.0, ठीक है। सो गाइस फॉरएवर करने का नीड नहीं है, अब मैं इससे फॉरएवर से आपको रन करके दिखाऊंगा। ओके तो गाइस फॉरएवर से रन करने के लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है फॉरएवर स्टार्ट, फॉरएवर स्टार्ट सर्वर js। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये एक प्रोसेस ऑन हो, जैसे आप अपना टर्मिनल बंद भी कर देंगे तब भी ये प्रोसेस ऑन रहेगी, तो ये प्रोसेस ऑन हो चुकी है। आप चाहें तो इसे रिफ्रेश करके देख सकते हैं, देखिए गाइस ये आपकी प्रोसेस ऑन है। आप चाहें तो टर्मिनल बंद भी कर दें तब भी आपका प्रोजेक्ट रन होता रहेगा। सो गाइस इस टाइप से रिएक्ट का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं। सो गाइस थैंक यू अलॉट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस टाइप से मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू अलॉट।